saying I remembered, you know, 80% of your health is made in the kitchen and 20% is outside. भारत में कितने प्रतिशत लोग का स्वस्थ किचन में बनता है? 80% and 20% is the topping up thing. Don't miss that 20%. It's not a small amount. जब discount लेने जाते हो तो 5% से भी आप खुश हो जाते हो. हाँ. So don't miss that 20%. You know, so you need to take care of that also. I think हिसाब बहुत बराबर का है. Right. 4 से 5 बार हम छोटे-छोटे meals खाते हैं जब भूख लगे तो वो 80% हो गया और 20% थोड़ा तो पसीना बहाना पड़ेगा. So now we come to wrap. But this we're not going to do with like, you know, normal wheat ka atta, yeah, you know, not the other atas. We're going to do this with again the millets atta. Desi hai, Indian hai, healthy hai, पौष्टिक है, पौष्टिक बहुत है. हमारे जो पुराने किसान हुआ करते थे वो हल चलाते थे, ज्वार बाजरे और अमरंथ के सिवाय और कुछ नहीं खाते थे और वो भी सिर्फ प्याज और लहसुन की चटनी के साथ. Exactly. So ये चेंज हुआ, जैसे आप बोल रहे हो हमारे फार्मर्स थे जो पूर्वज, हमारे जो सोल्जर्स वॉरियर्स थे, राइट. दिस वाज द कल्चर देन. इट चेंज्ड इन 50s व्हेन द ग्रीन रेवोल्यूशन केम. बिल्कुल. और हम लोग ब्रेड खाने लग गए, व्हीट ज्यादा प्रोड्यूस करने लगे. दैट वाज फॉर द इकोनॉमी ऑफ द यू नो कंट्री. एब्सोल्युटली. एंड टू यू नो हैव लेस एग्रीकल्चरल एक्सपेंसेस. एब्सोल्युटली. बट नथिंग टू डू विद हेल्थ. ब्रेड योर ब्रेड प्लीज. अच्छे से मिलेट्स खाएं, होलसम खाएं, घर में पकाए हुए बनाए हुए खाएं और पौष्टिक हो जाए, तंदुरुस्त हो जाए. यस. सो आई वांट टू गेट द मिलेट्स बैक. मिलेट्स बैक. या सो यू नो राजगिरी, द अमरंथ, अमरंथ व्हिच इज अगेन हाई फाइबर. इट इज अ कॉम्प्लेक्स कार्ब अगेन. इट हैज ऑल द बी विटामिन्स, मैग्नीशियम, कैल्शियम, प्रोटीन. सो वी गोइंग टू डू अ रैप ऑफ दैट. सो यू बेसिकली मेक अ रोटी फर्स्ट. द राजगिरी आटे का रोटी बनाओगे, फिर उसका रैप बनाओगे. लेकिन हम इस रैप के अंदर क्या क्या डालेंगे अब बताइए. यस. ऑल द वेजिटेबल्स, सब आपके फेवरेट वेजिटेबल्स. भोपला. भोपला. यस. सो वी गोइंग टू पम्पकिन. यस. सो यूजुअली क्या करते हैं, टू होल्ड ऑल द वेजिटेबल्स लोग आलू यूज करते हैं. सो वी आर नॉट गोइंग टू यूज आलू हियर. वी आर गोइंग टू यूज पम्पकिन. आलू बहुत अच्छा है, हम लोग पम्पकिन यूज करते हैं. सो वी विल यूज पम्पकिन इन दिस. सो पम्पकिन बॉइल्ड एंड नाइसली मैश्ड. एंड देन वी मिक्स वेजिटेबल्स इन दिस. तो पहले आप प्याज, टमाटर, गाजर, ककड़ी, जो भी आपके पास वेजिटेबल्स है घर में, कैप्सिकम, बीन्स, यू पुट ऑल दिस इन द पैन. घी डाल के, घी अगेन, पैन में आप घी डाल दीजिए. आपके जीरा का तड़का दे दीजिए उसको, लहसुन प्याज जो भी पेस्ट चाहिए आपको वो डाल दीजिए. टमाटर डाल दिया आपने, सारे आपके सब्जी डाल दिए जो भी अवेलेबल है, गाजर मटर एंड ऑल. फिर पम्पकिन, जो मैश्ड पम्पकिन है वो डाला. वो थोड़ा ज्यादा डालना, सो दैट द रोल बिकम्स नाइस. उसको लंबा सा पैटी जैसे बनाना है. फर्स्ट उसको आप अच्छे से यू नो थोड़ा सा सौते कर लो, गरम कर लो. देन उसका अच्छे से लड्डू बना के उसको पैटी जैसे बना दीजिए. देन पुट इट ऑन योर रोटी एंड मेक अ नाइस रोल. ठीक है. और उसके बाद धीरे धीरे चबा के स्वाद लेके उसका मजा उठाइए. राइट. तो आप साइड में चाहिए तो रायता अगेन ले सकते हो आप. सो जिसमें आप थोड़ा सा स्प्राउट्स डाल सकते हो, क्यूकम्बर डाल सकते हो, अनियन, टमेटो, थोड़ा सा चाट मसाला, जीरा पाउडर. तो मेकी वी आर हैविंग टू रोल्स ओनली, टू रैप्स. एंड देन यू नो लॉट ऑफ पीपल कंप्लेन दैट यू नो उनका बाइंड नहीं होता है राजगिरा आटा टू मेक इट अ रोल. सो द बेस्ट वे टू मेक दिस रोटी इज दैट आप एक कढ़ाई में पानी लो, एक उबाल लाओ उसमें, उसमें अपना आटा जितना, मतलब जैसे आप आटे को गूंदने के लिए जितना पानी लेते हो, सेम पानी आप कढ़ाई में गरम करोगे. वंस यू पुट ऑफ द गैस, वन बॉइल इज कमिंग टू पुट ऑफ द गैस, आपका राजगिरा का आटा उसमें डालिए और गरम पानी में उसको चम्मच से मिक्स कीजिए. सो देन यू जस्ट सेट इट साइड टू कूल डाउन. देन हाथ में थोड़ा सा घी लगा के, फिर घी, घी और घी हो तो गाय का हो वरना ना. सो देन जस्ट रब सम घी टू योर पाम्स एंड देन नाइसली नीड इट सॉफ्टली. सो वार्म वाटर या गर्म पानी में आप उसको नीड करते हो, अच्छे से हाथ में घी लगा के उसको हल्का सा नमक डाल के आप नीड करते हो. एंड देन यू मेक द यू नो देन यू पिन रोल इट नाइसली. पिन रोल द रोटीज, दे बिकम नाइस लाइक अ नॉर्मल व्हीट रोटी. यू डोंट हैव टू वरी कि वो ज्वार की रोटी जैसे वो बाइंडिंग नहीं होगा एंड ऑल दैट. इट विल बी एब्सोल्युटली नाइस एंड फ्लफी एंड टेस्टी. तो ये हो गई तो हमारा ये शायद लंच हो गया. उसके बाद हम लोगों को बताएंगे कि एक्टिव रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक्टिविटी के साथ साथ मेटाबॉलिक रेट हमेशा हाई रहता है. इन द इवनिंग अगेन, सो नॉट जस्ट वन कप ऑफ काढ़ा, लेट्स डू अनदर कप ऑफ काढ़ा इन द इवनिंग. ओके. क्या तो ये काढ़े में अभी हम लोग क्या डालेंगे, जादुई मिश्रण?
सिमिलर डालेंगे, विल जस्ट एड इट, टॉप इट अप विद केसर एंड योर नटमेग. केसर, नटमेग, यस. सो इट इज सिनेमन भी डालते हैं क्योंकि नटमेग और सिनेमन का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, वो फ्लेवर में बहुत अच्छा होता है. इट्स अ ग्रेट ग्रेटिफिकेशन इन द नाइट. Right. So, since you want to put the cinnamon and the nutmeg, we'll minus the brahmi now. Minus the brahmi. Yeah, because two achhe herbs hamare paas achhe hain. Right. So, it'll be too much of herbs, yeah. Isn't it? You know, so it becomes a little difficult for the body to absorb. Very nice. And the blend also might not go that well. Or, जब भी आप काढ़ा बना के पिए, खाने के डेढ़ या दो घंटे पश्चात पिए और उसको धीरे-धीरे सिप करके पिए और याद रहे कि टंग के नीचे की जो जगह है, वो super sensitive होती है. वहाँ से सिग्नल्स हमारे ब्रेन को जाती है. तो जब आप एक सिप लेते हो तो अंदर रखिए, उसके स्वाद का मजा उठाइए और फिर उसको अंदर लीजिए. राइट, राइट. सो काढ़ा तो हम कर ही रहे हैं. पता चले आप ऑफिस में हो एंड देन यू कांट मेक द काढ़ा, सुबह आपने काढ़ा पी लिया है, तो यू कैन जस्ट डू अ प्लेन ग्रीन टी ऑल्सो. प्लेन ग्रीन टी, यस. मगर रात की जो ग्रीन टी हो उसमें ग्रीन टी की मात्रा कम रहे. अगर आप, आपके पास सैशे है तो आप जब उसको डिप करेंगे 15 सेकंड से ज़्यादा डिप करेंगे तो शायद रात को आप जागृत हो जाओगे. तो सिर्फ 15 सेकंड, दैट विल काम यू. नटमेग के साथ, दालचीनी के साथ हाजमा भी अच्छा हो जाएगा, टॉक्सिन्स भी निकल जाएंगे, नींद भी गहरी हो जाएगी और आदमी का मोटापन से छुटकारा भी धीरे धीरे अच्छा होगा.